दोस्तों, मेरी टाइमिंग 4:28 है भर्ती रैली में। मैं वहाँ पर कुमार कह रहा हूँ, सुबह फिजिकल। ये मेरा एडमिट कार्ड है रनिंग। तो साथ में आप लोग देख रहे हैं जय हिंद नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से। अगर आप लोग अभी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में है अनु मीना। तो अनु मीना वही धाबा के जो हर एक वीडियो के अंदर आपको दिखता था, 4:28 में टाइमिंग लगाता था। हम जानेंगे से इसका आज का पूरा इंटरव्यू कि 4:28 जो बच्चा टाइमिंग लाता है, आखिर उसकी टाइमिंग ये आती कैसे है, या क्या वर्कआउट करता है, या क्या खाता है, और सारी चीजें। साथ में ये है उसका एडमिट कार्ड जो कि 15 जनवरी को है। 15 जनवरी को इनका पेपर होना है, जो कि मेडिकल फिट होने के बाद ये पर्ची मिलती है। तो ये जो स्लिप देख रहे हैं तो ये मेडिकल पास होने के बाद मिलती है। दुनिया की सबसे महंगी इस समय मेरे हाथ में है। अगर ये मेरे हाथ में नहीं होगी तो उसमें आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो पहले हम अनु से जानेंगे कि अनु, जब ग्राउंड आए थे आपने एकेडमी ज्वाइन की, इसके पहले टाइमिंग क्या आती थी आपकी? मेरी आती थी 5:10 तक। 5:10 तक टाइमिंग आती थी, रोड पे थी। और जिस दिन ये पहली बार आया था गुना में, उस टाइम पे 4:51 भी पहली टाइमिंग रही है और रोड टाइमिंग थी। वो वीडियो भी आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा देंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने चालू करा। तो अनु, बताइए इन बच्चों के लिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, शुरू से अपना बताइए कि आपका फोकस कब से ये बढ़ा है कि मुझे आर्मी में जाना है। आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? क्या आपके फैमिली से भी कोई आर्मी में है? और इसके बाद में कैसे आपने वहाँ पे गांव में अपनी दौड़ को मतलब बनाए रखा? साथ में फिर कौन आपके फैमिली से लगा, फिर उसने आपको सपोर्ट करा, और फिर धीरे धीरे आप अकेडमी आ, तो सारा सफर, जिससे कि जो और भी बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या कोई 4:28 एक दिन में मार सकता है, या क्या खाता है, और क्या डाइट आपके घर पर फॉलो करते थे आप? मेरा भैया ऐसा है कि मैं वहाँ पे 4 साल हो गया तैयारी करने, तो 5 फिर डाउन कभी नहीं आई मेरी। 5:10 तक और 5:05 तक आ जाती। तो मैं कितना ही प्रैक्टिस करता था, कितना कुछ कर लेता, वो ही टाइमिंग आती थी। तो यहाँ फर्स्ट बार आया मैं, भैया एक वीडियो देखता था, बहुत अच्छे से बताते, तो वो ऐसा करो, मतलब बिल्कुल ये बताते हैं ना, वो ही करना चाहिए आपको, इतना वर्कआउट है वो फॉलो कर लो। मैं फर्स्ट टाइमिंग मेरी मारी थी यहाँ पे 4:51, क्योंकि मुझे कॉम्पिटिशन मिला था अकेडमी में। सबसे अच्छा तो इसमें ये होता है कि अपना कॉम्पिटिशन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला था, फर्स्ट में ही था। और यहाँ पे आना, मैं पे फर्स्ट टाइमिंग थी 4:51, इसके बाद थी मेरी 4:38, इसके बाद 4:28 थी मेरी यहाँ पे ग्राउंड टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन लगा था। भैया उन्हें जितना बताता है डाइट लेना, ये करना, वो करना, बिल्कुल मैंने फुल फोकस से किया उसमें, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे भाई भी है, वो भी आर्मी में है? बड़े भैया मेरे आर्मी में, आपके सगे भाई है? सगे भाई, रियल ब्रदर। तो पापा को बहुत प्राउड फील होता होगा कि एक बच्चा जो शौक फिजिकल मार रहा है। और जब ये फिजिकल देने जा रहा था उस समय इनके पापा भी रेलवे स्टेशन पे दूध की बॉटल लेके आए थे, नहीं कि मेरा बेटा दूध पिएगा और वहाँ 100 का फिजिकल मार के आएगा। तो भर्ती भी उन्हीं बच्चों की निकलती है, उन्हीं बच्चे में 100 का मारते हैं जब उनके मम्मी पापा भी साथ में होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, तो इनके भी जो बड़े भाई हैं, तो इसके जो रियल ब्रदर है, उनकी अभी ट्रेनिंग सेंटर पे जो है 1 या 2 दिन में अभी कसम परेड भी होने वाली है, तो कल कसम परेड भी हो जाएगी। तो दोनों भाई एक जैसे लगते हैं, जब दोनों भाई एक साथ भर्ती में खड़े होंगे तो रोंगटे खड़े होने वाला काम होगा उस गांव के अंदर। जब दोनों बेटे पिता के सामने जब वर्दी में आएंगे तो समझ सकते हैं नजारा क्या होगा। लेकिन ताकत सबसे बड़ी यहाँ लगाना पड़ती है कि आपको अपना माइंड भी तैयार करना है और अपने घर वालों को उस चीज के लिए बताना है कि मैं कर सकता हूँ और वो करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप 100 का फिजिकल देख रहे हैं, अनु ने बताया कि अकेडमी आया, तो जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो उस टाइम पे 4:51 टाइमिंग, मतलब उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन धीरे धीरे इसने कहा मुझे सुबह भी दौड़ना है, शाम को भी दौड़ना है, मैंने उसको रोक के रखा। मैंने कहा हम इस बार टेक्निकल वर्कआउट करेंगे, इस बार हम टायर नहीं घसीटेंगे, इस बार हम कोई ऐसा रील्स वाला काम नहीं करेंगे टायर घसीट रहे हैं, या कोई लोडिंग वर्कआउट या पहाड़ी वर्कआउट, सारे वर्कआउट बंद करेंगे, ऑक्सीजन खत्म हो गया वो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसने बहुत चीज को समझा पहले तो, कि आखिर ये एक वार्म अप और बाकी का टेक्निकल वर्कआउट क्यों लगवाना चाह रहे हैं, और मुझे कभी कभी रेस्ट भी दे देते हैं और कभी कभी अच्छा भी दौड़ा देते हैं। तो ऐसा ऐसा होता गया और ये 4:28 तक बेस्ट टाइमिंग लाता गया। और 4:28 के बाद भी मैंने इसको रोक लिया था, कि मैं इसको बोल दिया था कि 4:28 के बाद हम और ऊपर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे भर्ती के मात्र 10 दिन बचे थे, 15 दिन। 15 दिन हमें क्या है कि उसको कहीं मान लीजिए कोई चोट वगैरह इंजरी आ जाती तो फिर एंड टाइम पे प्रॉब्लम हो, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। अगर हमारे पास फिर भी आगे 1-2 महीना होता तो ये हम पक्का था कि 4:20 टाइमिंग इजीली लगा देते, और कंपटीशन भी अच्छा खासा मिल रहा था, बच्चे भी आसपास और भी धीरे धीरे आते जा रहे थे। तो अनु, यहाँ तैयारी अच्छी हुई है, तो साथ में हम आपको वीडियो के साथ फुल मिलेंगे, फुल वीडियो में जब ये वर्दी पहन कर आएगा। तो और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यार, आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यही कहूंगा मैं तो, गांव पे बिल्कुल मत करो, जैसे कि एकेडमी आओ, क्यों, यहाँ कंपटीशन मिलता है, यहाँ सीखने को मिलता है बहुत कुछ,
रनिंग के साथ साथ कैसा क्या करना है, कितना बेच में। अब वहाँ पे सागर में ऐसा था कि इतना बड़ा बेच बन गया था, कोई हमें लगाने दिया कितना बेच है, क्योंकि यहाँ पर इतने दौड़ते थे कम से कम 250 बेच दौड़ता था, तो वहाँ पे कोई नहीं लगा था। बिल्कुल। और दूसरी बात, हर एक चीज बताते कैसे बैठना है, कैसे उठना है, भर्ती कैसे होती है, टेक्निकल चीजें, लास्ट में किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, किन चीजों से बचना है, किन चीजों को निकाल के ले जाना है। इसी चीज के लिए एक टीचर होता है, वो आपके साथ में खड़ा रहता है। तो वीडियो अच्छी लगे, ये है अन्नू, जो कि आप इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करें तो गौरव फिजिकल एकेडमी को ना इंस्टाग्राम पर जाएं, वहां पे भी आप लोग रील्स देख सकते हैं कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो आपके सामने यहाँ देखते हैं वहां दौड़ते हुए भी देखेंगे, 4:28 टाइमिंग वही बच्चे मार रहे हैं जो वहां पे भी देखते हैं। तो फुल वीडियो आपने देखा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। हो गया 6-7 मिनट का, हो गया था।